हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जैसा कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिलिक बॉन्ड्स और ओलिफिनिक बॉन्ड्स। तो मैंने इन बॉन्ड्स के बारे में पिछली वीडियोज में आपको बताया है, तो जाके वीडियो को जल्दी से देख लो यार, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो भी आए उसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और बातें करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले देखते हैं बेंजीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बेंजीन की ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे हम लोग बेंजीन को शो करते हैं। वैसे तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला इसका जो होता है C6H6 होता है, लेकिन हम लोग बेंजीन को ऐसे जनरली शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए बेंजीन की इसी रिंग में हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा नंबर वाई पाई बॉन्ड्स ठीक थे हैं। तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जहाँ जहाँ पे ये लाइंस कोने होते हैं, लाइंस के कोने जो होते हैं, जहाँ जहाँ पे ये ऐसे ऐसे बिंदी होती है, जो भी बिंदी होती है ऐसे ऐसे यहाँ पे कार्बन होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए नहीं जानते तो पिछली वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग, ठीक है दोस्तों। ये एक रिंग बन गई ना, तो इसे रिंग कहते हैं। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सीख लेते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमें बहुत ही आसान होते हैं। पाई बॉन्ड्स जो हमें ये रोटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नंबर नंबर डबल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो पाई बॉन्ड्स हम लोग जल्दी से काउंट कर लेते हैं। पाई बॉन्ड एक, पाई बॉन्ड एक, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये तीसरा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए 3, ठीक है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपके हो गए 3। टोटल नंबर ऑफ जब पाई बॉन्ड्स हो गए 3, तो अब हमें बचे हुए हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने के लिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए आइए हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओपन करेंगे तो आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर कोने पे कार्बन होते हैं, तो मैंने कार्बन की चेन लगा दी है आपकी सुविधा के लिए, ताकि हम लोग जल्दी से इसे सीख सकें आसानी से। तो ये देखिए 6 कार्बन लग चुके हैं कोनों पे, ठीक है, और ये रहा आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड लगा दिए। ये डबल बॉन्ड रोटेट करता रहता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। इसकी ज़्यादा कोई टेंशन ना लीजिए, इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ही सीखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हम लोग काउंट कर चुके हैं, 3 पाई बॉन्ड है जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, और नंबर ऑफ हमें सिग्मा बॉन्ड सीखने हैं। तो आपको ये बता दूं, कार्बन की जो होती है 4 वैलेंसी, कार्बन जो होता है 4 वैलेंसी लगाता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे हम लोग ये बेंजीन रिंग है, जैसे रिंग में हम लोग जहाँ पे 3 बॉन्ड बना हुआ है, चौथा बॉन्ड नहीं नजर आता है, उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी बात है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि जहाँ पे कार्बन में 3 बॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पे एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है, वो हाइड्रोजन लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड, इसकी चौथी संयोजकता, चौथी वैलेंसी कहाँ पे है, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है। 1, 2, 3 बॉन्ड बना लिया, चौथा किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। 1, 2, 3 बॉन्ड बना लिया इसने, चौथा किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। 1, 2, 3 बॉन्ड यहाँ पे भी बना लिया, इसको कितने, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 1, 2, 3 बॉन्ड यहाँ पे भी बना लिया, ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए, 4 से वैलेंसी। यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, चौथा किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। तो ये आपके हाइड्रोजन हो जाते हैं 6, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी, अब आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये 1, आइए देखते हैं, ये देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ पे देखिए तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए चौथा सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए पांचवा सिग्मा बॉन्ड, ये एक छूट रहा है, ये देखिए छठा सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 7वां बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में ये 8वां बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये 9वां बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में ये 10वां बॉन्ड, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये 11वां बॉन्ड, उसके बाद ये कार्बन कार्बन के बीच में ये 12वां बॉन्ड। टोटल कितने हो गए आपके, ये तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, यहीं से शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे यहीं से हम लोग। टोटल कितने हो गए आपके, 12। तो नंबर ऑफ, अगर हम लोग बातें करें यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम लोग बातें कर लेते हैं, तो आपके टोटल कितने हो गए, 12 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए दोस्तों, 12 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 3 आपके पाई बॉन्ड्स हो गए, 12 आपके सिग्मा बॉन्ड और 3 आपके पाई बॉन्ड। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप काउंट करेंगे, जल्दी से काउंट करके और आंसर बता देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही ढांसू एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।